पैंडमिक जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी न्यूज़ आप लोग दिन प्रतिदिन सुनते ही रहते हैं। सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जो है ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऐसे में कईयों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, कईयों को बेड प्रोवाइड नहीं हो रहे और कईयों को वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं और आप लोग देखते ही हैं कि किस तरह दर्दनाक सीन्स जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, कैसे विजुअल जो हैं वो वहाँ से नज़र आते हैं। और फिलहाल ऐसे में ही एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो जो है वो बहराइच के एक अस्पताल में है, जिसमें एक लेडी कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित थी और उन्हें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। जब उनके परिवारजनों ने कहा कि उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उन्हें उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो चुका था, उन्हें ऑक्सीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसे में अपना पल्ला झाड़ते हुए हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल के जितने भी वहाँ पर डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन इस समय नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं कोरोना के वो फ़िलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में उनके परिवारजनों में उनकी दो बेटियां वहां मौजूद थी, ऑक्सीजन ना मिलने पर अपनी माँ को उस बेटी को अपने मुंह से ऑक्सीजन देनी पड़ी, लेकिन दुख की बात यह है कि अपने मुंह से अपने पॉजिटिव मदर को ऑक्सीजन देने के बाद भी वो अपनी मदर की जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वहाँ पर मास्क प्रोवाइड नहीं किया गया था ऑक्सीजन का, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान से हाथ गंवा दिया। और ये वीडियो जो है इमोशनल वीडियो मैं कहूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और मैंने आपको बताया ये बहराइच के एक हॉस्पिटल की है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ हॉस्पिटल में बेड और दवा मिलने के दावे की हकीकत जो है वो साफ तौर से नज़र आ रही है कि कितने अच्छे से जो है वहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और उसके बाद भी ये दावा किया जाता है कि प्रॉपरली लोगों को बेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि लोग जो हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अपनी माँ को बचाने के लिए बेटी ने भावुक होकर, क्योंकि उस समय वह भावुक थी, अपनी माँ को जो है वो उन्होंने माउथ टू माउथ ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी माँ की जान नहीं बचा पाई। फिलहाल ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप भी देखें। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।